अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं मुकद्दर रजा। एसएम न्यूज़ स्टूडियो में खुशामदीद। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए हबशान करते हैं कराची से। कराची के इलाके कायदाबाद में 18-18 घंटे बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाके मकीनों ने एहतजाज किया और शहरियों ने के इलेक्ट्रिक के इस ज़ालमाना अमल के खिलाफ हुकूमत वक्त से नोटिस लेने की अपील भी की। इसी हवाले से मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ जुल्फकार अली। ये जुल्फकार, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। कराची कैदाबाद के इलाके मदीना टाउन, जदून टाउन, जलंधर ग्राउंड, अफरीदी कॉलोनी के मकीन 18-18 घंटे बिजली की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। शहरियों का कहना था कि के इलेक्ट्रिक ने जुल्म की इंतहा कर दी, हमारे घरों में पानी तक नहीं, हमारे बच्चे गर्मी से मर रहे हैं, हमारे बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि इलेक्ट्रिक के कुछ राशि अफसरान ने एक मखसूस इलाके को बिजली फराहम कर दी और बाकी तमाम इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। एक बंदा मेरे साथ आए, इंजीनियर से बात करे, ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये इंजीनियर जानते हैं किस तरीके से काम इख्तियार में था आपका, वो चालू कर दिया आपने, हमारी काट दी। हमारे में सिर्फ आप जो है ना, बीच से केबल आया है, केबल फाल्टी हुआ है तुम्हारा, ना मारवी गोट को इधर से मिल सकती है, ना इधर से मारवी गोट को उधर से दे सकते हैं। अभी हमारी केबल पानी के अंदर डूबी हुई, उनको भी आरजी तौर पे दिए उनको। इलाका मकीनों ने एसएम न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि के इलेक्ट्रिक की जानब से 18-18 घंटे बिजली बंद की जा रही है। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से अपील की कि खुदारा हमारी के इलेक्ट्रिक जैसे जालम अदारे से जान छड़वाई जाए। अहमदाबाद जलंधर ग्राउंड से हमारी बिजली 72 घंटे, 36-37 घंटे ये लोग बंद रखते, इन्होंने नहीं खोली और हमारे बराबर में इन्होंने दूसरों को बिजली दे दी, कुछ पैसे लेके कैसी का अमला रिश्वत है करप्ट के उसमें चल रहा है। हमने एहतजाज भी किया, बारिश में एहतजाज कर रहे हैं, हम यहाँ पे आए, इन्होंने शराबी गोट की मोबाइल मंगवाई, वो देखे सामने शराबी गोट की मोबाइल इन्होंने मंगवाई और इसके अलावा इन्होंने कोई हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया और कह रहे हैं कि आप बिलिंग में चले जाएँ, बिलिंग और जिनसे पैसे ये ले लें, जिनसे रकम ले लें, वहाँ बैठ के होटलों में खाना खाते हैं, उनको कोई बिलिंग के उसमें नहीं भेजते हैं। के इलेक्ट्रिक की ये गुंडागर्दी है, कराची के अवाम के साथ जुल्म है। मैं इमरान खान से अपील करता हूँ कि इनका मुआहदा जो 2023 में ख़त्म होता है उसको 2021 में ख़त्म कर दे, तो इसका अवाम पर ये एक एहसान होगा। साथी रिपोर्टर आसफ खान के साथ जुल्फकार अली, एसएम न्यूज़ कराची। बहुत शुक्रिया जुल्फकार तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एसएम न्यूज़।